दोस्तों, हमारे Xiaomi Pad 5 में HyperOS का अपडेट आ चुका है और अपडेट आने के बाद से परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं थोड़ा प्लस माइनस लगा है। जो स्टेबिलिटी था वो मुझे पहले जैसे नहीं लग पा रही है। तो लेकिन आज के वीडियो में एक बार हम चेक करने वाले हैं कि आखिर HyperOS अपडेट आने के बाद जो एंटूटू स्कोर है वो पहले से बेटर हुआ है जो MIUI 14 था, या फिर पहले जैसे ही है, या फिर थोड़ा कम हो चुका है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लीजिएगा। आपका डाउट या क्वेरी होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं वहाँ पर भी सॉल्व कर दूंगा। चलिए दोस्तों, ये जो एंटूटू बेंचमार्क है इसको टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हम एग्री कर लेंगे और यहाँ से इसको अलाउ करते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो है बेंचमार्क जो है लेटेस्ट वर्जन है, वर्जन 10.2.8। तो हम फटाफट से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैप नाउ, टेस्ट नाउ पे टैप करेंगे और यहाँ से टेस्ट परफॉर्म शुरू हो गया। इस टेस्ट को परफॉर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका समय बच सके। तो दोस्तों, जो टेस्ट है ये कंप्लीट हो चुका है और जो स्कोर आया है वो आया है 675330, जिसमें सीपीयू का स्कोर है 194682, जीपीयू है 200302, मेमोरी है 118666 और यूएक्स है आपका 161680। अगर इसको हम कंपेयर करें जब MIUI 14 जब हमारे टैबलेट पे था, तो उससे अगर कंपेयर करिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्कोर है इसमें काफ़ी आपको अंतर दिखेगा। आप यहाँ देख सकते हैं जो स्कोर है, पहले जो था MIUI 14 में वो था 711731 और अभी है 67। इससे पता चलता है जो एंटूटू स्कोर है ये पहले से कम हुआ है। और दोस्तों, ये जो स्कोर आया है पहले से कम, ये चीज़ आपको परफॉर्मेंस में भी पता चल रहा है। जब मैं इसको पहले यूज़ करता था MIUI 14 जब था, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ टाइप का लगता था, मतलब थोड़ा सा उस तरह का लगता नहीं था कि स्मूथनेस में कमी है। लेकिन कहीं ना कहीं HyperOS का अपडेट आने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हल्का सा जिटर करता है, हल्का सा लैग करता है, इस तरह का इशू मुझे टैब में हो रहा है। तो इस वजह से ये चीज़ आपको क्लियरली अब एंटूटू स्कोर में भी नज़र आ रहा है। अब दोस्तों, आगे देखने वाली बात है कि इसको ये चीज़ को परफॉर्मेंस जो इस तरह से डाउन हुआ है और इतना ज़्यादा लैग हो रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं आगे कोई अपडेट मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ये तो बात की बात है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।